तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डिजिस्पार्क का यूज करके हम कैसे वाईफाई के पासवर्ड को स्टील कर सकते हैं। उस वीडियो पे आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत से लोगों ने उसे ट्राई भी किया और उन्हें काम भी कर गया, बट कुछ लोगों का ऐसा था कि यार उनके प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे, उनमें एरर्स आ रहे थे। यार उस सारे एरर्स को मैं रिजॉल्व करूंगा इसी वीडियो में और बताऊंगा क्या क्या आप गलतियां करते हो जिस वजह से ये प्रोग्राम नहीं होता है। क्योंकि यार ये बहुत ही मतलब ऐसा डिवाइस है ना, जब मैंने इसे परचेज किया था तो मैं खुद इसे प्रोग्राम नहीं कर पाया था। तो वीडियो को एक बार एंड तक देख लेना, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग करने बैठना, तब अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। तो आप लोग को डिजिस्टम का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूं वैसे ही इंस्टॉल कर लो। तो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है गूगल पर और आर्डुइनो आईडीई लिखना है। तो आर्डुइनो आईडीई खोलते ही देख सकते हो ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे जाके आपको विंडोज 7 और न्यूअर वाले पे कर लेना है। तो अगर आपका जो भी वर्जन है, मेरा विंडोज 7 है तो उस पर आपको कर लेना है। तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि हो सकता है विंडोज 7 पे आपको प्रोग्राम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, और डिजिस्पार्क को जब आप प्रोग्राम करने जाओगे तो वो हो सकता है प्लग ना हो, प्रोग्राम ना हो पाए। अगर विंडोज 7 में नहीं प्रोग्राम कर पा रहे हो तो एक बार विंडोज 8 या फिर विंडोज 10 में अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उससे प्रोग्राम करके ट्राई करना हो जाएगा। तो आर्डुइनो आईडी को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया मैंने। अब यार उसके बाद ओपन करते हैं तो आर्डुइनो आईडी ऐसा ओपन होगा आपके पास, तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टाइम ले। तो देख सकते हो आर्डुइनो आईडी ओपन हो गया। उसके बाद जाना है प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पर ये लिंक को पेस्ट करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेस्ट करने के बाद बोर्ड में खोलना है, बोर्ड टाइप में जाना है और यहाँ पर बोर्ड मैनेजर में जाना है। तो फिर बोर्ड मैनेजर के बाद देख सकते हो कॉन्ट्रीब्यूटर में सेलेक्ट करोगे तो डिजिस्टम AVR बोर्ड्स आ जाएगा, तो इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद फिर बोर्ड्स में जाके उसे सेलेक्ट कर लेना है, डिजिस्पार्क का जो डिफॉल्ट वाला है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो डिजिस्पार्क को प्रोग्राम करने के लिए मैं उसी के एग्जांपल में से एक डिजिस्पार्क का कोड उठा रहा हूँ और उसे प्रोग्राम करके दिखाऊंगा एज अ डेमो। कि अगर आपका डिजिस्पार्क नहीं काम कर रहा तो आप इस कोड को ट्राई करके एक बार प्रोग्राम करके देखो, चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो यार यहाँ पे मैं हेलो डिजिस्पार्क ये प्रिंट होगा, जैसे ही हम इसे प्लग करेंगे तो ये हेलो डिजिस्पार्क प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हेलो डिजिस्पार्क मैं वर्ल्ड कर दे रहा हूँ, सेव कर देता हूँ उसे। तो कोड्स को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ कंपाइल पे क्लिक करना है, जिससे कि उसे पता चल जाएगा एरर्स तो नहीं है कोड में। तो यार जब कंपाइलेशन फिनिश हो जाएगा उसके बाद सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो यार ध्यान रखना डिजिस्पार्क को अभी नहीं प्लग करना है, जब वो साइड में लिख कर आएगा नीचे प्लग डिवाइस नाउ तब प्लग करना है डिजिस्पार्क को। अगर आप पहले ही प्लग कर दोगे तो प्रोग्राम नहीं होगा। तो देख सकते हो आ गया प्लग डिवाइस नाउ, तब आपको डिजिस्पार्क को प्लग करना है, पहले मत प्लग करना। तो यार इसे प्रोग्राम होने में लगभग 10 सेकंड्स लगेगा। तो हमारे कोड को टेस्ट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लूंगा और इसे कंप्यूटर में प्लग करूंगा और देख सकते हो हेलो डिजिस्पार्क वर्ल्ड ये टाइप किया जा रहा है। मतलब ये एक सेकंड के गैप पे हेलो डिजिस्पार्क वर्ल्ड, हेलो डिजिस्पार्क वर्ल्ड ये अपने आप टाइप कर रहा है। देख सकते हो ये कीबोर्ड की तरह है, मतलब हमारे कंप्यूटर को लग रहा है ये कीबोर्ड है बट ये एक कमांड्स दे रहा है इसे, मतलब एक प्री डिफाइंड कमांड्स है वो उसे दे जा रहा है। तो डिजिस्पार्क को प्रोग्राम करते टाइम जितनी भी बातों का ध्यान रखना था वो सारी बातें मैंने आपको बता दी यार। तो आई होप प्रोग्राम आप कर अच्छे तरीके से कर पाओगे, फिर भी कोई एरर आता है तो कमेंट कर देना। तो डिजिस्पार्क को प्रोग्राम करने का प्रोसीजर यही है, बट उसमें हम कोड्स को अगर चेंज कर देते हैं तो हम डिजिस्पार्क को और भी तरीके के यूज़ में ले सकते हैं, उसमें और भी अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं और हैक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग को और भी डिजिस्पार्क पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।